थी 1527 को हुई। एक ऐसी घटना हुई थी, अगर ये घटना ना होती ना ही बाबरी मस्जिद बनती, ना ही अकबर का शासन पूरे भारत पर होता और ना ही ताजमहल बनता और ना ही अंग्रेज हमारे भारत में व्यापार करने आते और ना ही भारत के दो टुकड़े भी होते। तो एक ऐसी घटना हुई थी जिसको खानवा का युद्ध बोला जाता है और ये मेरे लोकल शहर भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में ही घटना हुई थी। दोस्तों अगर ये घटना ना होती तो आज भारत की स्थिति कुछ और ही होती, मैं भी आपको बताऊंगा पूरी वीडियो में। मैं आज उसी स्थल पर हूँ और यहाँ पर मैं आप पीछे आप मेरे मूर्तियाँ भी देख रहे होंगे, राणा सांगा जी की जो मूर्ति है। दोस्तों मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है और आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ खानवा, एक मेरे लोकल डिस्ट्रिक्ट भरतपुर में है। खानवा का युद्ध आपने बहुत सुना होगा, राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था, तो मैं आज उसी जगह पर हूँ जहाँ पर वो युद्ध हुआ था। ये एक ऐतिहासिक स्थल है और बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है क्योंकि सभी जानते हैं कि ये युद्ध अगर नहीं होता या राणा सांगा जीत जाते तो भारत की स्थिति नहीं बदलती। दोस्तों ये जो आप चारों तरफ जो देख रहे हैं ना, ये यही वो मैदान था जहाँ पर युद्ध हुआ था खानवा का। ये अब तो यहाँ पर क्या है कि खेत और लोग बस गए हैं, लेकिन ये चारों तरफ जो प्रतिमा है इसके चारों तरफ का जो भी मैदान है यहीं पर युद्ध हुआ था। ये आप जो चारों तरफ जो दोस्तों मैदान देख रहे हैं ना, एक तरफ राणा सांगा थे, दूसरी तरफ बाबर था, यही भूमि है, यहाँ पर ही युद्ध हुआ था। और युद्ध जो हुआ था वो इतना भीषण युद्ध था कि जो तोप की जो आवाज़ें थी उस आवाज़ों से मतलब यहाँ के जो हाथी और जानवर थे सारे के सारे डर गए थे, बहुत ही ज़्यादा डर गए थे वो, क्योंकि पहला ऐसा युद्ध या युद्ध तो बहुत होते थे लेकिन जो तोपों की और जो बम गोली की जो आवाज़ें थी वो इतनी उन्होंने नहीं सुनी थी, तो उस वजह से बहुत घबरा गए थे वो। यही वो मैदान है जो खानवा का जो युद्ध हुआ था, इसी मैदान में यहीं पर चारों तरफ ही युद्ध हुआ था, बहुत ही भीषण युद्ध हुआ था वो। यहाँ के एक लोकल पर्सन है, उनसे भी जरा बात करते कि यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे। नमस्ते, तो बाबा कुछ बताएं यहाँ के बारे में। इसके बारे में ये है कि इधर से तो तुर्किस्तान से आया बाबर, बाबर आया था तुर्किस्तान से, बाबर आते ही दो बार अटैक किया। अच्छा। उसकी सीमा थी आगरा में प्रवेश हो गया, जबकि इसका राज्य था महाराणा सांगा का पूरे भारत पर जी। और ये मतलब ये हिंदू धर्म को जानने वाला महाराणा सांगा जी, तो वो चित्तौड़ से आके लगा। अच्छा अच्छा। तुरंत इसकी दो बार इसकी बाबर की सेना को धकेल दिया, दो बार। फिर कह करके गया था बाबर के मैं ग्रीष्म काल का समय है, मैं युद्ध को विराम देता हूँ, मैं युद्ध कभी नहीं करूँगा। अच्छा अच्छा। फिर ये तोप लेकर आया है तुर्किस्तान से, तोपों से फिर डेढ़ महीने पीछे आक्रमण किया है, तो इसके 80 घाव आए हैं महाराणा सांगा के। 80 घाव आए, 80 घाव। इसको तुरंत इसके सहपाठी सरदार जो मंत्री कहते हैं, जो बॉडीगार्ड कहते हैं, वो उन्होंने इनकी उसको चोला को पहन करके युद्ध किया है, वो मर मिटे लेकिन इसको बसपा ले गए। अच्छा। बसपा में इसका इलाज हुआ महाराणा सांगा का, वहाँ पर इलाज नहीं, उन्होंने कहा कि करौल ले जाओ जी। फिर इनको करौल ही ले गए, करौली के राज वैद्यों ने इनको ठीक कर दिया और एकदम खंजर लेके खड़े हो गए। अच्छा अच्छा। करौली में खंजर लेकर के खड़े होने पर तब मैं इसने महाराणा सांगा ने कहा कि मैं मुगलों को विध्वंस कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं जी। लेकिन इनके ही सहपाठियों ने दवाई के वशीभूत पॉइजन घोल के दूध में दे दिया राणा सांगा हुए, मृत हुए। लेकिन यहाँ हारे नहीं है वो, लेकिन जो मुस्लिम राइटर हैं वो बताते हैं इसको हारा हुआ। हाँ, वो तो ये बताते हैं कि राणा सांगा जी ने उनको बाबर को यहाँ पे बुलाया था युद्ध के लिए बुलाया नहीं, वो तो यहाँ प्रवेश हुआ था। अच्छा अच्छा। प्रवेश किस लिए हुए? चीनी भाईजान आए थे, अंग्रेज आए थे, वो क्यों हुए थे? वो इसलिए हुए थे कि राज भारत के अंदर हम राज अपना फैलाएं जी जी, और अपना स्थापना करें, अपना अपना इस्लाम फैलाएं, तो ये इस्लाम फैलाने के लिए आया था।
लेकिन वो इधर से खदेड़ दिया। खदेड़ने के बाद 1.5 महीने बाद महाराणा सांवरा पर तिवारा आक्रमण किया है। अच्छा अच्छा। जो तोपों के द्वारा उसी समय से भारत के अंदर तोपों का आविष्कार हुआ है। हाँ। जो इसके बाद में महाराणा सांवरा के बाद में जो राजा महाराजा हुए हैं जी, उन्होंने फिर तोपों का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तभी फिर ये युद्ध क्षेत्र था, ये गाँव बसा था, इसमें मुसलमान ही मुसलमान थे जी जी। लेकिन हिंदुओं ने फिर सन 47 में इनको मारा है, इनको भगाया है, फिर भी ये दरगाह से लौट करके फिर आ गए। अच्छा। कुछ पाकिस्तान बाबू जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रामू भगत जी। रामू भगत जी। तो भगत जी, ये बताया जाता है कि यही जो युद्ध था इसी की वजह से ही आज बाबरी मस्जिद बनी थी। हाँ। और ताजमहल और अकबर भी शासन भी यहीं का बना, उन्हीं की। तो बाबर की वजह से ही उनके वंशज यहाँ पे इतने पैदा हुए हैं, जब वही मुसलमान यहाँ पर भिगो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और ये भी बताया जाता है कि अगर ये युद्ध अगर राणा सांगा जीत जाते तो आज भारत की स्थिति नहीं हो पाती, नहीं होती, मुसलमान भाग जाते। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। बस क्या, ये है ये महाराणा सांगा जी की। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको बने, अभी कुछ ही टाइम में, शायद अभी 11 या 12 साल ही पहले इसका स्मारक बनाया गया है। यहाँ पर अभी भी ये एक पुराने जो लोग हैं जो बताते भी हैं कि उनके जो तोप के जो छर्रे थे वो आज भी यहाँ के पत्थरों पर हैं। लेकिन अब वो है या नहीं पता नहीं, मुझे तो अभी दिखे नहीं है ऐसे पत्थर, लेकिन कुछ यहाँ पे पत्थर हैं, जैसे मैं भी आपको दिखाता हूँ। जैसे दोस्तों ये पत्थर देख रहे हैं ना, आपको पत्थरों पर छेद दिखाई दे रहे होंगे। अब मानने को तो कोई लोग ये भी मान सकते हैं कि ये तोप के छर्रे हैं। ये जब स्मारक बना था तो यहाँ पर कुछ ऐतिहासिक चीजें बनाई हुई, तो उन्हें यहाँ पे बताया भी गया है राजस्थान सरकार द्वारा। और ये यहाँ पे करीब 2015 को किया गया था शायद, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी नया है ये। यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्मारक बनाया हुआ है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। धूप तेज है इस वजह से थोड़ा धुंधला धुंधला हो रहा है। ये राजा मेदनीय राय, ये उनके स्मारक है। और ये बीच में जो घोड़े पर हैं ये है राणा सांगा, और ये है राजा हसन खां मेवाती। वीडियो में सिर्फ इतना ही, कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा और मेरी वीडियो कैसी लगी है। और अभी और भी वीडियो भी आती रहेंगी, इस वीक थोड़ा लेट हो गया, नहीं तो बैक टू बैक एक वीडियो लाता जा रहा हूं मैं। तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बिना मत जाइएगा।